नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ रजा वर्मा और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर की, जहां से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार बिजनौर में रोडवेज डिपो की एक बस में उस समय हंगामा और मारपीट शुरू हो गई जब एक व्यक्ति द्वारा बस में शराब के नशे में बस लूकी की जा रही थी। तभी ड्राइवर कंडक्टर ने इसका विरोध किया तो व्यक्ति हंगामा करते हुए मारपीट पर उतारू हो गया और पत्थरबाजी कर उन्हें घायल कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी व्यक्ति और उसकी पत्नी को पकड़ लिया और थाने ले गई। दरअसल बिजनौर की धामपुर रोडवेज की बस जब रामलीला चौराहे पर धामपुर से पहुंची, तभी बस में हंगामा खड़ा हो गया। एक व्यक्ति शराब के नशे में सवारियों और कंडक्टर के साथ बस लूकी करने लगा। जब उसको पुलिस को सौंपने की बात की जा रही थी, तभी उस व्यक्ति ने हंगामा करते हुए कंडक्टर और ड्राइवर के साथ मारपीट शुरू कर दी। फिलहाल सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस व्यक्ति और उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने थाने ले गई। इस दौरान बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने जानकारी देते हुए बताया, फिर में खून निकल गया था। हुआ क्या है? क्या हुआ? पत्थर मारे इनने। कौन है ये? इसकी घरवाली। मतलब क्या वजह है, क्यों मारे पत्थर, क्या हुआ? अब सवारी एक तो होंगे से जानी चलेगी, सवारी से पूछो, उसे गाली देता कंडक्टर। तुम कौन हो? मैं ड्राइवर था। अच्छा, क्या हुआ ये? ये शराब पिए हुए बदतमीजी कर रहे थे लड़कियों के साथ में। अभी इन्हें उतारा, इन्हें समझाया कि भाई उतार, क्या नाम है, बदतमीजी बंद करो, चुप जाओ। अरे तू कौन है? अरे तुझे बताऊंगा, चल बिजनौर में। तुम कौन हो? कंडक्टर? मैं कंडक्टर हूँ। कान पे क्या मारा है? कान पे अद्धा मारा है, नीचे उतर। और इसी के साथ जुड़ा है बंधन समाचार के साथ।